पैकेट वाले दूध से इतनी परफेक्ट कुल्फी, और आप इसका क्रीमिनेस तो देखिए, परफेक्ट क्रीमी है, 100% मलाईदार कुल्फी बनके तैयार होगी। और वीडियो देखने के बाद आपके 3 फायदे तो ज़रूर होंगे। एक तो ये कि आप कुल्फी चाहे ये या कोई और बना लो, आपकी कुल्फी में आइस क्रिस्टल्स कभी नहीं जमेंगे। दूसरी ये, बिना कोई महंगी चीज़ यूज़ करे इस लेवल का क्रीमिनेस आपकी हर तरीके की कुल्फी में आएगा। और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि कुल्फी के मिक्सर को कैसे रखा जाता है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में, ताकि निकालते टाइम वो पूरी एक जैसी निकले, टूटे ना। तो आइए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पैन रखे हैं। इस पैन के अंदर मैं ले रही हूँ 3 कप जितना दूध, 3 कप मतलब 750 ml जितना दूध। और ये मैंने पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल किया है, जो कि अमूल ताज़ा है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, काउ मिल्क ले सकते हो, बफेलो मिल्क भी ले सकते हो। अब ये डालने के बाद हम इसको साइड में करते हैं। और ये जो दूसरा पैन है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ, देखिए, 1 कप जितना दूध। टोटल मैंने 1 लीटर जितना दूध लिया था, जिसको अगर कप्स में डिवाइड किया जाए तो वो 4 कप आता है। 3 कप इस पैन में आ गया और 1 कप इस वाले पैन में आ गया। दोनों को गैस के दोनों तरफ गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ मैं गैस की फ्लेम को हाई कर देती हूँ। पहले तो हम इसी का काम खत्म कर लेंगे, जो दूध हमने दूसरी तरफ रखा है उसको हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे गर्म होने देंगे। तो यहाँ देखिए, हाई फ्लेम के ऊपर दूध पकाते पकाते जो भी मलाई ऊपर आती जाएगी, हम उसको दूध के अंदर ही मिक्स करते जाएंगे। और इस दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि पूरा सॉलिड आपके पास बचता नहीं है, मतलब इसके अंदर जितना भी पानी है वो पूरा निकल जाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस हद तक हमें दूध को ले आना है। पैन में हम पका रहे हैं और सिर्फ 1 ही कप दूध था, मतलब 250 ml ही दूध था। और हाई फ्लेम पे पका रहे तो ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लगेगा, 5-7 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि दूध की अभी जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है। तो हमें कैसे पता चले कि हमें गैस को बंद कर देना है? अभी देखिए, अगर आप देखेंगे कि पैन के सब तरफ दूध चिपका पड़ा है, अगर ये दूध कुछ इस तरीके से छूटने लग जाए, 2-3 मिनट बाद आप दूध को एक जगह कर पाएंगे। पैन की साइड्स को भी ये छोड़ रहा है, तले को छोड़ रहा है, इसका मतलब अभी बिल्कुल सही है। अब हम गैस को बंद कर सकते हैं। अभी भले ही आपको ये पतला दिखे, लेकिन जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ इस वाले दूध का काम तो हो गया। अब चलते दूसरी तरफ। यहाँ जो हमने 750 ml जितना दूध गर्म होने के लिए रखा था, ये भी गर्म हो चुका है। केसर का रंग बढ़िया आ जाए, स्वाद आ जाए, इसके लिए केसर के कुछ धागे इसी समय दूध में डाल दीजिए, ताकि फ्लेवर बढ़िया मिलेगा। अब इसके बाद केसर के साथ दूध को और आगे के 5 मिनट हम पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर ही। इस दूध को हाई फ्लेम के ऊपर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब जब आपको शिकायत है कि आप बिल्कुल सारी मेथड को ठीक से फॉलो करते हो, लेकिन तभी कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल्स जम जाते हैं, ऐसा जमता है कि कुल्फ़ी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी हम बर्फ भी खा रहे हैं, तो ऐसा ना हो, इसके लिए ना आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला तो है कॉर्न स्टार्च। ये वही है जो हम चाइनीज डिशेज में या सूप को थिक करने में यूज़ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1/2 चम्मच चाहिए। और इसके साथ हमें चाहिए, इसी चम्मच को अच्छे से भर के, 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर। आप स्किम मिल्क पाउडर या होल मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो ये 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर भी आ गया। इसके अंदर हमने ठंडा दूध डालना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और अच्छे से क्रीमी सिल्की स्मूथ एक पेस्ट हमारे पास बन के आ जाए। ये हमारे पास आ गए। ये 2 चीज़ें डालने की वजह से आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं, मतलब बेसिकली कुल्फ़ी में। और अगर आपको पता हो या आपने कभी देखा हो, तो जब भी हम मार्केट में कुल्फ़ी खाते हैं, उसमें मिल्क पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। स्किम मिल्क पाउडर यूज़ की जाती है मार्केट की जब कुल्फ़ी बनाई जाती है तब, इसलिए मिल्क पाउडर तो ज़रूरी चीज़ हो गई। और रही बात इस कॉर्न स्टार्च की, ये हल्का सा दूध को गाढ़ा भी कर देगा और एक क्रीमीनेस भी देगा। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद और आगे के 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर ही मैंने इसको पका लिया है। और इस पैन के अंदर जो दूध को हमने गाढ़ा करके साइड में ठंडा होने के लिए रखा था, ठंडा हो जाने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल मावे जैसा हो जाता है। बेसिकली शुरू में जो हमने प्रोसेस की थी वो मावा बनाने की ही की थी, तो घर में ही हमने मावा बना लिया। अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप अलग से मार्केट से मावा ले सकते हो। इसे अगर मैं किसी कप में नाप के बताऊँ आपको, तो ये 1/4 कप जितना मावा आ जाता है, और ग्राम्स में लगभग 50-60 ग्राम जितना बनेगा। तो अब ये हम दूध के अंदर धीरे धीरे से मिक्स कर देंगे। अब रही बात कि हमने ये मावा आखिर डाला क्यों, इसके 2 कारण हैं। आज की हमारी कुल्फी है रजवाड़ी मावा कुल्फी, मावा डालेंगे तभी तो बनेगी मावा कुल्फी। और दूसरा कारण ये, जब भी आप इस तरीके की कुल्फी खाते हो, एकदम मावे जैसा स्वाद भी लगता है और खाते खाते मुँह में दाने फील भी होते हैं। वो जो दाने बनते हैं ना, वो इसी मावा की वजह से बनते हैं, इसलिए मावा दूध में डालना ज़रूरी है जब आप ये कुल्फी बनाओ। तो देखिए, अब मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून जितनी शुगर।
एकदम परफेक्ट मीठा हो जाएगा। वैसे भी कुल्फी ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है। चीनी को घुलने तक पकाना है, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो और आगे के 2-3 मिनट पकाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर का पानी फिर से उड़ जाए। हम सभी ने तो बहुत ही बार कुल्फी खाई है, अगर आप यहाँ तक रुक जाते हो तो ये बन गई आपकी सफ़ेद वाली मावा कुल्फी, ठीक है। और अगर आपको इसको थोड़ा सा रजवाड़ी टच देना हो तो आप इसमें डाल दीजिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैं डाल रही हूँ बादाम, काजू और पिस्ता, ये आप अपने पसंद से डाल सकते हो। ये मैंने लगभग 2-2, 3-3 चम्मच क्रश करके डाल दिए हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। आप इसमें कोई भी वनीला एसेंस या कोई और दूसरा फ्लेवर ऐड नहीं कर सकते। दूध या रजवाड़ी कुल्फी या मावे से बनी कुल्फी में इलायची पाउडर ही बेस्ट लगता है। वैसे तो केसर की वजह से एक बिल्कुल हल्का सा येलो कलर आ ही गया है, लेकिन और थोड़ा सा कलर आ जाए इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ येलो फूड कलर, जो टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ही आप यूज़ करें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कुल्फी तो आप एकदम परफेक्ट बना लेते हो लेकिन जब उसको मोल्ड में से निकालते हो वो ठीक तरीके से एक अच्छे शेप में निकलती नहीं है। कई लोगों के साथ होता है कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा टूटा टूटा निकलता है। ये होता क्यों है? क्योंकि आप कुल्फी के मिक्सचर को ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा बना रहे हो। देखिए, ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर मैं स्पैचुला के ऊपर आपको दिखाऊँ तो ये सिर्फ कोट हो रहा है, इससे ज़्यादा गाढ़ा आप इसको मत बनाएं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मिक्सचर को जितना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे क्या पता वो बहुत जल्दी जम जाए और हमारी कुल्फी रात भर ना रखनी पड़े, 4-5 घंटे में जम के हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, गाढ़ा मिक्सचर ठीक तरीके से जम नहीं पाएगा आपका। तो इसलिए ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हमें और एक ज़रूरी काम करना है, क्योंकि इसमें देखिए छोटे बड़े दाने हर जगह दिख रहे हैं, एक यूनिफॉर्मनेस इस मिक्सचर में है नहीं। तो करना क्या होगा, तो मिक्सचर जब ठंडा हो जाता है तो और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और पहले से इसका कलर थोड़ा डार्क भी नज़र आता है। तब आप क्या करें, इस मिक्सचर को मिक्सी जार के अंदर लीजिए। तो मैंने ये 2-3 बड़े चम्मच जितना मिक्सचर इस मिक्सी जार के अंदर लिया है और हम मिक्सी को सिर्फ शुरू करेंगे और तुरंत बंद करेंगे, शुरू करेंगे बंद करेंगे। ऐसा करने से आपके मिक्सचर में जो मावे के कहीं छोटे दाने कहीं बड़े दाने ऐसा जो था वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली हर मिक्सचर के अंदर डिवाइड हो जाएंगे हर जगह जगह। फ़र्क देखना चाहते हैं? देखिए, ये जो हमने हल्का इसको मिक्सी में चलाया ना बस 1-2 सेकंड के लिए, तो मिक्सचर आप देखिए कितना फ़र्क दिख रहा है अभी, और ये वाला मिक्सचर जो एक लंपी सा दिख रहा था, और मतलब जो हमने इसमें काजू बादाम जो यूज़ किए, जो मावा यूज़ किया वो भी दिख रहा है। बेसिकली हमारी कुल्फी का जो मिक्सचर है वो अभी बिल्कुल यूनिफॉर्म हो चुका है। और हम थोड़ा मिक्सी में चला लेते ना तो देखिए ऐसे झाग भी आ जाता है, जो वाकई में बहुत अच्छा दिखता है। अब आप इसे कुल्फी मोल्ड्स में भर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ऊपर से फॉयल पेपर लगाया है, जगा कर लेंगे स्टिक लगाने के लिए। चाहे तो आप इसमें ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, क्योंकि ऊपर फोम होने की वजह से वो नीचे जाएंगे नहीं, फोम की वजह से ऊपर ऊपर रहेंगे, ये भी आपको एक फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए मैंने ये मोल्ड्स भर लिए हैं। अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे लगभग 7-8 घंटे या फिर तो ओवरनाइट। सारी मेथड ठीक से फॉलो करने के बावजूद शायद आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपकी कुल्फी में तब भी आइस क्रिस्टल्स आ गए। क्या पता इसकी वजह ये भी हो सकती है आपका फ्रिज। कैसे? अगर आप कुल्फी बनाने का सोच रहे हो तो अभी जाके आप पहले फ्रिज को देखिए, मतलब फ्रीजर वाले सेक्शन को देखिए। क्या उसमें हर जगह बर्फ जमी पड़ी है? मतलब क्या उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा? आपको मोल्ड रखने की भी जगह नहीं, इतना बर्फ हो गया है उसके अंदर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो पहले आप उसको डिफ्रॉस्ट कीजिए और फिर जब फ्रिज फिर से नॉर्मल सेटिंग पर आ जाए तब आप कुल्फी बनाइए, कुल्फी को फ्रिज के अंदर ओवरनाइट के लिए रखिए, फिर देखिएगा आपकी कुल्फी एकदम परफेक्ट जमेगी। और हाँ, कूलिंग टेम्परेचर को भी आपने मैक्सिमम कर देना, मतलब जो सेटिंग होती है उसको भी आप मैक्स पे कर दो, जिससे कि कुल्फी अच्छे से और जल्दी आपकी जम जाए। तो अब मैंने याद कर करके आपको सारे छोटे बड़े सारे पॉइंट्स बता दिए जो मैं खुद हमेशा याद रखती हूँ जब कुल्फी बनाती हूँ। आई होप आप अगर बनाओगे तो आपकी अच्छी ही बने। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सच में अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।